दिस इज अजय मिश्रा बिफोर यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू बी द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट वन और पार्ट टू. नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम ऑन द टॉपिक. देयर आर 7 क्वेश्चंस बिफोर यू ऑन द व्हाइट बोर्ड. I am going to convince you one by one. Listen to me carefully. आप जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं और अब हम पार्ट थ्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं. Listen to me carefully. मेरी बातों को ध्यान से सुने. And I am going to convince you one by one. और मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर वन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डॉट 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 प्लेइंग चेस. एक समझाएंगे और एक इस पर आधारित क्वेश्चन हम और बोलेंगे. एंड पेन एंड पेपर शुड बी इन योर हैंड. कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए. यदि आप स्टूडेंट हैं तो लिखिए जरूर. यू हैव टू राइट वन बाय वन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड के साथ इन लगेगा जब यहां पर वर्ब रहेगा. देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस. मैं चेस खेलने में रुचि नहीं रखता हूं. मुझे चेस खेलने में कोई रुचि नहीं है. अब एक और इसी पर जैसे देख लीजिए. आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग द स्टूडेंट्स. I am interested in teaching the students. मुझे बच्चों को पढ़ाने में रुचि है. मतलब कि whenever you see in any sentence interested, you have to fill in. और इसके बाद preposition होना चाहिए और हमेशा verb का चौथा रूप होना चाहिए. Question number टू, do this work. अब dot 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 once है. Do this work at once. At once, ये दोनों मिलाकर के होता है शीघ्र, तुरंत. Do this work, इस काम को करो. At once, शीघ्र. इस काम को शीघ्र करो. एक और इस पर लेते हैं. Please sit down at once because sir is coming in the class. आप यथाशीघ्र बैठ जाइए, सर क्लास में प्रवेश कर रहे हैं. तो do this work at once. At once means होता है तुरंत. चलिए यहां देखिए, तीन और चार. क्वेश्चन नंबर तीन और चार. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंस आर फॉर रिड्यूस्ड. मतलब यह वाक्य जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है. और यह दो क्वेश्चन जो है वह टेंथ क्लास में और ट्वेल्थ क्लास में एयरफोर्स में नेवी में कितना बार पूछा जा चुका है. अतः आप पूर्ण रूप से ध्यान देकर यहां देखे. आई हैव बीन रीडिंग डॉट 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 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, संडे, मंडे, इस टाइप का कुछ रहता है तो यहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है. मतलब फिक्स ऑफ टाइम इसको कर सकते हैं आप. और यह ही हैज बीन प्लेइंग, यहां फोर लगेगा. 2 hours, 3 hours, 1 week, 1 month, 2 month, 1 year, इस टाइप का कुछ होगा तो फोर का प्रयोग करेंगे. 5 बजे, 6 बजे, सोमवार, मंगल, ठीक है, इस टाइप का रहेगा तो हम यहां सिंस का प्रयोग करेंगे. इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो यहां फोर और सिंस का प्रयोग किया जाएगा. कब? जब हैव बीन और हैड बीन का प्रयोग रहेगा तब. क्वेश्चन नंबर 5 में भरते हैं. चलिए पहले आप भरिए, पहले हम आपको भरने का मौका दे रहे हैं, ठीक है. आई वॉज रनिंग डॉट 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 द बॉल. लगाइए दिमाग. ये यहां पे आफ्टर का प्रयोग होगा. ए एफ टी ई आर, रन आफ्टर. रन आफ्टर मीन्स होता है पीछे भागना. मतलब कि आई वॉज रनिंग आफ्टर, मैं पीछे दौड़ रहा था, मैं पीछे भाग रहा था द बॉल. मतलब बॉल को, बॉल के पीछे मैं भाग रहा था. ये होता है रन आफ्टर, पीछे भागना, ठीक है. रन, जैसे और एक एग्जाम्पल ले लीजिए. आई एम रनिंग After the bus, मैं बस के पीछे भाग रहा था. तो run after means होता है पीछे भागना. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6. Please wait for me. कृपया मेरा इंतजार करें.
प्लीज वेट फॉर मी, वेट के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक और आप ले सकते हैं क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर यू डेलिबरेटली, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, तो वेट के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होगा। ये देखिए, व्हाई आर यू लाफिंग डॉट 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 मी, एट मी, लाफ एट, हंसना, लाफ के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। व्हाई आर यू लाफिंग एट मी, आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं। एक और एग्जांपल लीजिए जो ट्वेल्थ में आ चुका है, टेंथ में आ चुका है। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, अभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए, और कलम और कॉपी आप अपने हाथ में रख के, यदि आप स्टूडेंट हो, देखिए पार्ट वन में हम आपका 15 पढ़ाए, पार्ट टू में 15 हुआ, अब पार्ट थ्री में 15 करने जा रहे हैं। तो 15 × 3 45 आपको कंप्लीट हुआ। और अगर आप 45 कंप्लीट करते हैं तो 46, 47 और 50, 60 पढ़ने में मजा आएगा। तो इसको आप लिखिए जरूर और इसको देखिए पूरा एक एक करके। और हम आशा करते हैं कि अगर आप ऐसा कर लिए तो मेरा 4 से 5 वीडियो में आपको लगेगा कि आई एम कैपेबल ऑफ सोल्विंग द चैप्टर ऑफ प्रीपोजिशन। आइए एक बार करते हैं, इंटरेस्ट के साथ इन, कब, जब इधर भर्ब रहेगा तब, एट वंस तुरंत, एट वंस तुरंत, जैसे हम फोन ऐसे कर रहे हैं, सर प्लीज कम टू मी एट वंस, सर मेरे पास तुरंत आइए, जल्द आइए, एट वंस होगा। देखिए, जब यहां हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, और अगर 5 बजे 6 बजे 7 बजे हो, 2020 2010 2005 हो तो सिंस लगाए, 2 घंटा 3 घंटा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, 1 मिनट 2 मिनट, इस टाइप का रहेगा तब फोर लगाइए। रन आफ्टर, पीछा करना, पीछे भागना, जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, आप वहां रन आफ्टर लगाइएगा। यहां देखिए, वेट के बाद फोर, आई एम वेटिंग फॉर यू सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यहां देखिए, लाफ के साथ एट, हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, तो लाफ के साथ एट लगाएं। ठीक है, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, लुक एट द बोर्ड, प्लीज प्लीज पुट डॉट डॉट द लाइट बिकॉज आई हैव टू रीड। देखिए यहां इंग्लिश, प्लीज पुट डॉट डॉट डॉट, अब यहां क्या भरना है, प्लीज पुट ऑन, देखिए पुट ऑन, जला देना, कह रहा प्लीज पुट ऑन द लाइट, कृपया लाइट को ऑन कर दीजिए, जला दीजिए, बिकाउ, क्योंकि आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। देखिए, हिंदी भी सीखते जाइए, और हम अब आप लोग को स्पोकन क्लास का पार्ट वन वीडियो डालेंगे, तो उसमें हम ज्यादातर इंग्लिश ही बोलेंगे, इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लीज पुट ऑन द लाइट, कृपया लाइट को ऑन कर दीजिए, बिकॉज, क्योंकि आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है, डॉट डॉट डॉट, प्लीज, अब यहां डालना है, क्या डालिएगा, प्लीज आउट, पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट, मतलब हुआ कि बत्ती को बुझा दिया जाए, लाइट को बुझा दिया जाए, पुट आउट या पुट ऑफ भी होता है, OFF, पुट आउट भी होता है। देखिए, यह बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और यह आपका 2015 का नेवी एयरफोर्स का क्वेश्चन है। जब हम पढ़ते थे उस समय 10th में 12th में, तो यह क्वेश्चन हमें भी बहुत काफी हार्ड लगा था, इसमें नहीं भराया था, आप भी ट्राई करके देख लीजिए, भरिए इसमें, ही कैरी डॉट 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 मेनी प्राइजेस, नहीं भराएगा, OFF, कैरीड ऑफ, कैरी ऑफ माने होता पुरस्कार जीतना, ही कैरीड ऑफ OFF, याद रहे, ही कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस, वह बहुत सारे प्राइज को जीता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, सचिन तेंदुलकर कैरीड ऑफ मेनी प्राइजेस इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत सारे प्राइज को जीते हैं। देखिए, अब लगाइए दिमाग, लगेगा ही नहीं, क्योंकि यह आपका याद करना पड़ेगा, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, पुरस्कार जीतना, एंड विद द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग यू हैव टू फिल, आपको भरना है। आइए, प्लीज कॉल डॉट 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 डॉक्टर, देखिए आ गया एट वंस, तुरंत, थोड़े देर पहले पढ़े थे, देखिए फिर आ गया, तो प्रैक्टिस करिए, एट वंस मीन्स तुरंत, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर, कॉल इन माने बुलाना, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, कृपया डॉक्टर को तुरंत बुलाइए।
ठीक है, द मीटिंग ब्रेकअप, ब्रेक अप का यहां भी टू है, ब्रोक अप समाप्त हो जाना। आप सुने होंगे द रिलेशन बिटवीन कैटरीना कैफ एंड सलमान खान ब्रोक अप, कैटरीना और सलमान खान के बीच जो रिश्ता जो संबंध था वो समाप्त हो गया, तो संबंध समाप्त होने में भी लगता है ब्रेकअप। और मीटिंग यहां देखिए द मीटिंग ब्रोकअप माने मीटिंग समाप्त हो गई एट 9 o'clock, 9 o'clock में, अतः ब्रेकअप माने समाप्त होना, टूट जाना। देखिए फॉल इन लव ये गाना में भी था, जानवर फिल्म आप देखे होंगे तो उसमें आई एम इन फॉल, आई एम इन लव, आई एम इन लव करके गाना भी था, आई फॉल इन लव मुझे प्यार हो गया है विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की के साथ, फॉल इन लव, फॉल इन लव प्यार में पड़ना, ये भी टू है, फॉल का फेल हो गया। ही वाज प्रिवेंटेड बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप सर्च कर सकते हैं जाकर के, एकदम हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा। ही वाज प्रिवेंटेड उसे रोका गया फ्रॉम, देखिए प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है और इसके बाद हमेशा भी फॉर, उसे कॉलेज जाने से रोका गया। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज, और कॉलेज का स्पेलिंग याद रखें, देखने में बड़ी आसान है, चार ऑप्शन आता है ना एग्जाम में, ट्वेल्थ में चार ऑप्शन आता है, टेंथ में यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, तो वहां फंसने का चांस हो जाता है, याद रखे COLLEGE, आसान ना समझे, प्रिवेंट माने रोकना, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम, ऐसे याद करें। ही हैज ग्रेट लव, ही हैज अ ग्रेट लव, उसके पास बहुत बड़ा प्रेम है फॉर हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए, आता यहां फॉर लगेगा विद द हेल्प ऑफ हिंदी मीनिंग, यहां पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए बता दिए। चलिए फिर से आ जाइए, पुट ऑन सेंस भी आप लगाइएगा, देखिए अगर यहां पे रहता है कि जैसे आप बत्ती को बुझा दीजिए क्योंकि मैं बेड पर जा रहा हूं, तो यहां पुट आउट लगाते हैं, लेकिन यहां पढ़ने की बात हो रही है इसलिए ऑन का प्रयोग किए क्योंकि जला दिया जाए लाइट को, यहां बंद कर दिया जाए, यहां ऑन भी भर सकते थे क्योंकि पता नहीं चल रहा, पुट ऑन द लाइट, पुट आउट द लाइट, दोनों में कोई भर दीजिए। कैरी ऑफ पुरस्कार को जीतना, कॉल इन बुलाना, कॉल इन बुलाना, ब्रेकअप तो संबंध है टूट जाना या कोई मीटिंग समाप्त होना, फॉलिंग फॉलिंग प्रेम हो जाना, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम वीवीआई क्वेश्चन है, और इसके बाद गो नहीं होगा, गोज नहीं होगा, हमेशा गोइंग होगा, भी फॉर याद रखे, एसेंस के आधार पर फॉर है। हम इस तरह से 15 क्वेश्चन पार्ट थर्ड में भी समाप्त किए, हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, आप एक एक करके लिखिए, यू हैव टू राइट वन बाय वन and you have to understand one by one and practice is necessary, practice जरूर करिए। तो 15, 3 जा 45, 45 complete हो चुका है, आप अपने मित्रों में इसे शेयर करें, कमेंट आप करें, सब्सक्राइब करें, और आप बहुत गहराई से इसको पढ़िए। प्रीपोजिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लास 10th, 12th, 11th and any competitive examination, and with the help of this type of sentences you can also speak in English language, आप अंग्रेजी में बोल भी सकते हैं। और मेरा बहुत जल्द आप लोगों के सामने स्पोकन क्लास का पार्ट वन लेकर के हम जल्द हाजिर होंगे, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो और हमारे ग्रुप के जितने भी सारे शिक्षक हैं उनके वीडियो आप देखते होंगे। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, थैंक यू वेरी मच।